नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन जेएस भदौरिया साहब। सैनिक जीवन नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और तमाम जो खबरों से रूबरू और हमारे देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, मौजूदा सैनिक हैं, सभी को कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रतीक। जी सर, वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो है एक बड़ा जो अपडेट है वो आया है कि ORP 3 है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ORP 3 है वो किस तरीके से अलग है ORP 1 और ORP 2 से। हाँ जी प्रतीक, आपने पूछा कि ORP 3 लागू होने वाला है, तो इसका जवाब मैं देता हूँ। ये 1 जुलाई 2024 से लागू है और सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश हैं कि जब ड्यू है आपकी फर्दर ORP यानी ORP 3, और उसी समय से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। और उसका ORP 2 और 1, जैसे हम 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 1 जुलाई 2014 से प्रभावी थी और मिलते मिलते इसकी पहली किस्त आई थी तो फरवरी 2016 के पेमेंट के साथ आई थी। बहुत सारी उसमें फॉर्मेलिटीज थी, फर्स्ट टाइम देना था, तो इस वजह से ORP 1 आपका डिले हुआ था। और ज्यादा डिले नहीं, तो आप कह सकते हो कि पौने 2 साल में उन्होंने पेमेंट कर दिया था। अब हम बात करते हैं ORP 2 की, तो ORP 2 1 जुलाई 2019 से प्रभावी थी और इसका केस जो था कि जो इसकी अनोमलीज को लेकर चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कोर्ट के चक्कर में काफी डिले हुआ और आते आते जनवरी 2023-20 के आसपास इसकी घोषणा हुई और उसका इम्प्लीमेंट अभी भी हो रहा है। 3 किस्तें अभी पेड हो चुकी हैं और उनकी चौथी किस्त फरवरी 2024 में है। अब मैं बात करता हूँ ORP 3 का, तो जो कि 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव है, और जो भी रिटायरीज हैं, जैसे कि ORP 1 में लगभग 21 लाख लोगों को फायदा मिला था, ORP 2 में 25 लाख को मिला था, तो अभी आप समझ सकते हो ORP 3 में 3 से 4, 3.5, 4 लाख और पड़ेंगे, लगभग 29-30 लाख लोगों को है। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट है। और रही कुछ ही बदलाव की पॉलिसी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर बनाया 2015 में एक SOP टाइप बनाया, तो उसी हिसाब से अभी तक है। और बाकी इसमें कुछ चेंजेस आएंगे इसके लिए, तो आप देख सकते हो कि 1 रैंक 1 पेंशन की अनोमलीज है, जो JSU जवानों को जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, पर्याप्त फायदा नहीं हुआ है। और इसके लिए बहुत सारे मेमोरेंडम, बहुत सारे आपने देखा होगा आंदोलन चल रहे हैं, लगातार अभी भी जारी है। और इसके ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये है कि आज नहीं तो कभी नहीं, मतलब आज हमारे साथ ये जो अनोमलीज वाला अन्याय हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ब्यूरोक्रेट से मिलके जैसे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने 3 जज, रिटायर्ड जज की कमेटी के लिए हमने अभी गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, ताकि इसका एक तरीके से एक पूरी प्रक्रिया का, ORP का है कि एक सिपाही से लेकर लगाकर हवलदार है या JSU है या अफसर है, किस रेशियो में किसको ज्यादा फायदा हो रहा है और किसको फायदा एक्चुअली किसके लिए बनी थी ORP, तो ये सारी चीजों को एक बार 3 रिटायर्ड जज इसके ऊपर अपना जो भी पोस्टमार्टम करेंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे, जो सरकारी पक्ष और जवानों का पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो चीज निकल के आएगी वो हमें स्वीकार है। लेकिन अभी ORP 3 की बात करने से पहले, जैसे आपने कहा था कि अभी उसी वे में होता है तो कोई ज्यादा अंतर नहीं, पॉलिसी वही है, उनका क्राइटेरिया भी सेम है। जी सर, देखिए हमने देखा कि पिछली बार जो कोर्ट का इंटरफेरेंस था उसी के बाद में ये जो है लागू हुआ, तो अभी वाला जो कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या है। अभी वाला कोर्ट का सीधा ऑर्डर है कि आप इसको बिल्कुल डिले न करें। और इसका सिस्टम मैं आपको बता देता हूं कि 2019 का जो ROP जो उनकी बेसिक पेंशन फिक्स की थी, तो वो लिया गया था 2018 को बेस ईयर, यानी 2018 के अंदर सिपाही से लेकर के और सेना के सर्वोच्च पद तक जिसकी बेसिक पेमेंट है उस एक ही रैंक के मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज करके उन्होंने 2019 के हिसाब से फिक्स कर दी थी, तो अभी भी सेम है। अभी जो रनिंग ईयर है 2023, इसमें से उनको देखा जाएगा कि कोई हवलदार की उन्होंने बेसिक पेंशन 2024 जुलाई में फिक्स करनी है, तो हवलदार वाई ग्रुप का है तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, उसका एवरेज करेंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। हर एक रैंक का भी है तो उसकी पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, बट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को इसके ऊपर डिले न करें।
यानी 2024 में है तो 2024 से हो जाना चाहिए, लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि जुलाई 2024 से पहले जनरल इलेक्शन है, अप्रैल मई में और फिर जो गवर्नमेंट आएगी वो डिसीजन लेगी। सर जो है मतलब कोर्ट का ये जो ऑर्डर है का मतलब ऐसा बहुत कम देखा गया है कि इस तरीके से जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे कि आने वाली ये जो आपकी स्कीम है ये ऑन टाइम होनी चाहिए। तो इसमें क्या आप क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट का फेलियर है, वन वन का हम एक बार को समझ सकते हैं कि सब नई नई नीति थी, लेकिन जब टू लागू करना था तो क्या उसी की उसी जो जिस वजह से टू लेट हुआ है क्या उसी वजह से थ्री का ऑर्डर है वो कोर्ट ने पहले ही दे दिया है? हाँ नहीं, ओ आर ओ पी टू के साथ ही उन्होंने ये डिसीजन दिया था, ओ आर ओ पी टू का ही टाइम ऑर्डर था इम्प्लीमेंट का। उन्होंने जिस तरह बोला था कि जो आपके इंस्टॉलमेंट है 4 में नहीं, वो उन्होंने कुछ कंडीशन अलग रखी थी, पर सरकार ने नहीं बोला हम 4 ही लेंगे। और उन्होंने बोला था कि जो 70 साल से कम है या जो बार है डिसेबिलिटीज है उनको 1 टाइम देंगे, बाकी जो नॉर्मल है उनको 4 किस्तों में दिया जाएगा। तो उसी पॉलिसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी 2023 यानी बहुत लेट हो गए थे 2019 के बाद, तो उन्होंने पॉलिसी किया कि आगे से एमओडी को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि जब भी आपकी वारी होती है तो जो इफेक्टिव है ड्यू डेट है उसके हिसाब से उनको पेमेंट होना चाहिए। अच्छा सर, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से होगा? अब जैसे हमने आपको पीछे थोड़ा बताया आप हाँ सर आपने बताया, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता दीजिए जिससे कि ये है जो लोग कि हैं उनकी समझ हाँ में आ हाँ जाए बिल्कुल दरअसल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज बता देता हूँ आपको कि लगभग मैं एक सिपाही से लगा करके मैं किसी सूबेदार मेजर तक की बात करना पसंद करूंगा। एक सिपाही है, उसका जो बेसिक लास्ट वो रिटायर होता है और उसकी जो सैलरी होती है, और आज 2023 में मैं देखूं एक सिपाही है जिसकी 15-16 साल सर्विस है और उसकी जो बेसिक सैलरी है लाइक है बेसिक पे और उसकी मिलिट्री सर्विस पे और उसकी आप मान सकते हो क्लास पे, तीनों पे को लगभग लगा देते हैं तो 42,000 आसपास होता है, तो लगभग 40 से 42 हजार बनता है। एक नायक है वो 44 के आसपास जाता है, एक हवलदार है वो 45 के आसपास जा रहा है, यानी टोटल एक नायब सूबेदार है वो 47-48 के पास है और एक सूबेदार है 50 और 51-52 उसके आसपास है, सूबेदार मेजर है कोई भी ले लो 55-56 के आसपास है। ये ही है 2023 में इनकी सैलरी, और जो भी आप समझ सकते हैं तो इसी का आधा कर दिया जाएगा, यानी इन्हीं में से एक एवरेज निकाला जाएगा और इसका जो 50% है वो उन्होंने 1 जुलाई 2024 को बेसिक पेंशन बना दी जाएगी। और ये जो बेसिक पेंशन है और अभी 1 जुलाई 2019 की बेसिक पेंशन का डिफरेंस ही एक उनकी बढ़ोतरी के रूप में होगा, और इसी बढ़ोतरी को एरियर मिलेगा और उनकी उस हिसाब से जो पेंशन है 1 जुलाई 2019 की जंप करके जो 1 जुलाई 2024 में है जो अभी की वर्तमान 2023 के पे के हिसाब से उनकी फिक्स हो जाएगी, और यही एक एडवांटेज है जो कि कम होने वाला है। और होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, सैलरी होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट्स होते हैं 3% हर साल बढ़ता है, यदि आपका रैंक भले ना बढ़ रहा है और आप एक ही रैंक में सर्विस करते हैं तो हर साल आपको एक सर्विस इंक्रीमेंट मिलता है वो आपकी बेसिक सैलरी का 3% होता है। तो आप सब आप ये भी आइडिया लगा लिए थे 2019 से 2023 तक 5 इंक्रीमेंट है, वो 5 इंक्रीमेंट आप समझ सकते हो वो 3-3% के हैं, तो 15% तो बढ़ती है, और 15% को पेंशन में आधी होती है तो 7.5% लगभग। तो किसी भी रैंक की ये बहुत सब्जेक्टिव है कि उसकी जो बेसिक पेंशन है तो लगभग 5 साल बाद ₹1 आती तो 7 से 8, 8-10% बढ़नी चाहिए, ये नॉर्मली बढ़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको ऐसे चेंज किया, इन्होंने इन्होंने क्या रखा है कि जो पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं वो इनके दिमाग में था ये ज्यादा पेंशन ले रहे हैं और पुराने लोगों को इनके हिसाब से बराबर करते जाओ, लेकिन 7th पे सीपीसी में बड़ा उल्टा हुआ है, 2.5 फैक्टर से ऐसा हो गया कि 7th पे सीपी 2016 के बाद जो लोग रिटायर होके आ रहे हैं उनकी पेंशन कम है पुराने वालों की, पुराने वालों से। मैं आपको बिल्कुल जीता जागता उदाहरण सामने रख रहा हूँ, तो उल्टा हो रहा है कि पुराने वालों को नए के साथ मिलाना चाहिए था, यहाँ नए की कम है तो पुराने वालों को फिर फायदा कहाँ से होगा, पहली बात ये सोचने वाली। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब है, जो लेफ्टिनेंट साहब आता है तो उसकी जो पुराने लोगों की पेंशन है 41-42 हजार है, 42,000 है। अब 42,000 उसकी पेंशन है तो आप समझ सकते हो 84,000 उसकी सैलरी हुई होगी, है ना,
आज जो लेफ्टिनेंट आ रहा है उसकी पेंशन कितनी बन रही है, 35,835,800, बिकॉज उसकी बेसिक पे 56,100 है, 56,100 उसकी बेसिक पे, 15,500 आप एमएसपी जोड़ देते हो तो 77 समथिंग होता है, तो 35। तो अभी जो आ रहे हैं उनकी कम है, पुराने वालों की ज्यादा है। इसलिए आप 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में जो लोग रिटायरी होके आए किसी भी रैंक की, उनकी अभी से अभी उन्होंने फिक्स किया, एक नाम सुधार की है उन्होंने 24,825 पर रखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 26,875 ले रहे हैं। तो ये जो गड़बड़ हो गया है इसके अंदर, बिल्कुल उन्होंने रायता फैला दिया, फौजी भाषा में बोलते हैं ना, वो उनको समझ में नहीं आ रहा, और यही हमारे जवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आंदोलन चल रहा है, हमें पता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम सरकार को एक सही तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप पैसा दे रहे हो 65,000 करोड़, 70,000 करोड़, अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लीजिए, थोड़ा सा फिल्टर लगाइए, जहां जो मिलनी चाहिए तो आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, मिसमैच हो रहा है, उनकी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। इसी बात को लेकर जो जवान है अपनी बात सरकार को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कब तक आवाज जाएगी, वो क्या रिस्पॉन्स होता है इसके ऊपर। जी सर, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करना चाहूंगा। आपने सरकार की बात की है। जी, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में से 3 में बीजेपी ने अच्छे से जो सरकार है वो बनाई। आपका जो ओआरओपी 1, 2 इसी सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अब 24 में भी ऐसा लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो रिपीट करेंगे। तो अभी तक का जिस तरीके का जो बिहेवियर है, जो सरकार का रहा है इस वन रैंक वन पेंशन के मामले में, तो क्या ये 1 जुलाई 2024 क्या उस डेट तक मिल पाएगा, अगर हम पिछले वाले रवैये को देखें और जिस तरीके से जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है उस। देखो आपका सवाल एक है, मैं आंसर दो दूंगा। एक आपका कि इसी गवर्नमेंट रिपीट करेगी, श्योर रिपीट करेगी, दिख रहा है कि सामने अपोजिशन इस तरीके का है, तो आप जहां जो प्रिडिक्ट हो रहा था वो भी नहीं आया। और दूसरी बात कहें तो ये गवर्नमेंट ये हो या दूसरी हो, पॉलिसी बनी है देगी, जुलाई में नहीं देगी जनवरी में देगी, देगी पक्का, तो उसको आप बदल नहीं सकते। अब हमें थोड़ा उम्मीद है कि गवर्नमेंट से कि हमारी जो विसंगतियां उनको कौन दूर करेगा, सवाल यह है। तो इस सवाल के ऊपर हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, और सरकार इसके ऊपर कुछ अपना प्लान कर रही, वो आपको सीधा सीधा बता रहे हैं। इससे चुनाव से पहले वो कोई ना कोई आपको ऐसा लॉलीपॉप बना के आपको दे देगी, आप उसको खा लोगे, और इतना उस तरीके का बनाएगी, और उसका लॉलीपॉप उसके हाथ में ऐसा है कि जनवरी में 50% डीए निश्चित है, ये सरकार के हाथ में नहीं है, सामने आंकड़े बिल्कुल अपने आप को साक्षी हैं, गवाह हैं आंकड़े। दूसरी बात यह है कि 8वां वेतन आयोग को अभी उनके वित्त सचिव ने सीधा सीधा कह दिया कि हमें 8वां वेतन आयोग लागू करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम इस मंशा पे कोई विचार कर रहे हैं। और जबकि पिछले जितने कमीशन हैं जो 10 साल बाद बनते हैं, 1,000 2016 के बाद जनवरी 2026 में होना है, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, अभी तक पूरा 2023 निकलने वाला है, निकल ही गया, और उन्होंने इसके ऊपर आज ये स्टेटमेंट है, तो समझ लो इनकी मंशा है। अब इनकी मंशा ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव से पहले ये कोई ना कोई फैक्टर लेके आएंगे तनख्वाह बढ़ाने का, या कोई ना कोई 50% वाला जो डीए वाला कॉन्सेप्ट है उसमें 25% पेंशन में मर्ज करना है, पे में मर्ज करना है, इन सब चीजों से बीच में से निकाल करके कोई एक ऐसी लॉलीपॉप तैयार करेंगे जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो और खाने में भी स्वाद हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना अंदर ज्यादा, मरोड़ पैदा कर दे। जी हाँ, पेट ना भरे, बस आप चूसते रहिए। ये गवर्नमेंट है, बहुत माइंड है, जहाँ पैसे को कैसे निकालना है, पैसे को कहाँ से फिल्टर लगाना है, सामने दिख रहा है। बट हमारे प्रयास हैं जो हैं, बाकी इस मुहिम में तो बहुत सारे आपके केंद्रीय कर्मचारी जो उनके संघ हैं, रेलवे हैं, पोस्टल, बहुत सारे जो ओपीएस को लेकर बहुत सारे ये सब चीजें चल रही हैं, उसमें 18 महीने डीए का एरियर भी है, 8वां वेतन आयोग भी है, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, देखो क्या होता है आगे। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतने आराम से और इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया कि जहां तक है, जिन तक जिनको अभी तक समझ नहीं आया होगा शायद उनको अब समझ आ गया होगा, इतनी सिंपल भाषा में इतने आसान तरीके से।
शायद काफी बार ऐसा होता था कि हमारे स्कूल के जो टीचर होते थे वो भी इस तरीके से नहीं समझा पाते हैं। सर आपने इतने हाँ आसानी से नहीं, थैंक यू प्रतीक। होता ही ऐसा है कि मैं आपके लिए बताऊं कि आप भी ये सारी चीजें हमारे फौजी भाइयों के लिए कह रहे हैं, और हमारा हम भी फौजी हैं, बहुत लगाव, हम ये समझ सकते हैं कि उन्हें आसान चीजें ही समझ में आती हैं। फौजी का, फौजी दिल से सोचता है और दिल से ही बोलता है, तो दिल से ही बोलना चाहिए। जी सर आप हमारे साथ जुड़े और आपने काफी अच्छे तरीके से जो अपनी बात है वो कही और समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई।